नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर। न्यूज़ बुलेटिन के स्पॉन्सर हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता यमुना चौक बक्सर। नजर डालते हैं प्रमुख सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ का बक्सर में पहला दौरा, पहुंचे सिमरी। माइक्रो फाइनेंस के कर्मी से 1.25 लाख की लूट, प्राथमिकी दर्ज। न्यायालय ने 2 आरोपियों को दी आजीवन कारावास की सजा, लगाया जुर्माना। भोजपुरी अभिनेता अरविंद अकेला उर्फ कल्लू को न्यायालय से मिली जमानत। तीसरे दिन विराम रेखा घाट पर जारी है पंडा समाज का धरना। जल मंत्रालय के अधिकारियों ने लिया अमृत सरोवर का जायजा। मवेशी चराने गए बालक के साथ हुई दुर्घटना। सरस्वती विद्या मंदिर में आयोजित हुआ अध्यापकों का उन्मुखीकरण कार्यक्रम। खबरें विस्तार से के प्रायोजक हैं एलन सोली, पीपी रोड, चर्च मार्केट, बक्सर। 2 की खरीद पर 2 कपड़े मुफ्त। कामधेनु नेक्स, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल गोलंबर बक्सर एवं सिमरी, संपर्क करें नीचे दिए गए इन नंबरों पर। अब खबरों की चर्चा विस्तार से। आपको बता दें, आज की पहली सुर्खी है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बक्सर जिले के सिमरी प्रखंड अंतर्गत छोटका राजपुर गांव पहुंचे थे, जहां उन्होंने परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के पिता विंध्याचल सिंह को श्रद्धांजलि दी। आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं मुख्यमंत्री हेलीपैड पर उतर कर आगे बढ़ते हुए दयाशंकर सिंह के पिता विंध्याचल सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए घर में मौजूद परिवार के सदस्यों से बात करते हुए बगल में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह भी बैठे हुए थे। फिर मुख्यमंत्री आधे घंटे वहां रुके और बगैर किसी से बातचीत किए, हालांकि परिवार के सदस्यों और राजनेताओं से उन्होंने बातचीत की, लेकिन मीडिया से उनका कोई आमना सामना नहीं हुआ। वे निकले और फिर हेलीकॉप्टर द्वारा वापस लौट। बुलेटिन की दूसरी सुर्खी है, धनसोई थाना क्षेत्र में मंगलवार को अपराह्न 5 बजे माइक्रो फाइनेंस के कर्मी अरुण कुमार से अपराधियों ने हथियार के बल पर 1,20,000 रुपये लूट लिए। वे लालाचक गांव से धनसोई की तरफ आ रहे थे, वहां से उन्हें बक्सर लौटना था। अरुण कुमार ने बताया, बाइक पर 3 लोग सवार थे जो हमारा पीछा कर रहे थे। गोसैसी डिहरा गाँव के समीप उन लोगों ने मुझे धक्का देकर गिरा दिया और हथियार के बल पर बैग लेके भाग गए, जिसमें जरूरी कागजात भी थे और साथ ही वे मोबाइल भी ले गए। फिलहाल आपके सामने अरुण कुमार जो नोखा के रहने वाले हैं। भाग रहे थे, उसी समय धक्का देकर मुंह गिरा दिए और जो बैग था काटा दिखाकर बैग और मेरा मोबाइल वेल छीन उनकर लेकर भाग गए। चिल्लाने पर कोई मतलब वहाँ पर था नहीं जिससे हम हेल्प ले सकें, जिस कारण वो आसानी से लेकर काटा दिखाकर भाग गए। कितना पैसा था वो? उसमें करीब 1.25 लाख रुपये, 1,20,000 लगभग। आपका नाम? मेरा नाम अरुण कुमार है, घर मेरा नोखा है, थाना नोखा, जिला रोहतास। माइक्रो फाइनेंस में आप क्या है? माइक्रो फाइनेंस में आरू के पद पर कार्य करते हैं। अब रुख करते हैं बुलेटिन की तीसरी सुर्खी की तरफ। न्यायालय में बीते दिन हत्या के एक पुराने मामले में सुनवाई करते हुए अपर जिला सत्र न्यायाधीश विवेक राय ने 2 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 2018 में डुमराव थाना के कौनी गांव में रामजी चंद्र की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में विद्याभूषण एवं शशिभूषण चंद्र, इन 2 लोगों को नामजद किया गया था। न्यायालय ने इन्हें दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई, 40,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। बुलेटिन की चौथी सुर्खी है, भोजपुरी के मजे हुए मशहूर लोकगीत कलाकार एवं अभिनेता अरविंद अकेला उर्फ कल्लू को न्यायालय से जमानत मिल गई है। वे बीते दिन मंगलवार को 51/2022 मुफस्सिल थाने के एक मुकदमे में न्यायालय में उपस्थित हुए थे, जहां मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने उन्हें जमानत दी। उनके खिलाफ चौसा के किसी नेता ने जातिगत टिप्पणी को लेकर मुकदमा किया था। बुलेटिन की पांचवी सुर्खी है, शहर के रामरेखा घाट पर पंडों द्वारा पिछले 3 दिनों से धरने का कार्यक्रम चल रहा है। बीते दिन उन लोगों ने काली पट्टी हाथ एवं मुंह पर बांधकर प्रदर्शन किया था। उनका कहना है, नगर परिषद प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के नाम पर घाट पर रखी गई चौकियां, उनके द्वारा बांस के लगाए गए मचान को हटा दिया है। जहाँ श्रद्धालु आते थे, कपड़े बदलते थे, अपना सामान रखते थे, इसे पंडे
पूजा पाठ कराकर 2-4-10 रुपए कमाते थे, इससे उनकी जीविका चलती थी। लेकिन नगर परिषद प्रशासन ने सावन को देखते हुए अतिक्रमण के नाम पर सब कुछ हटा दिया है। उनकी मांग है उन्हें अस्थायी रूप से यहाँ जगह दी जाए और यहाँ से खदेड़ा न जाए, अन्यथा उनका रोजगार रोजी रोटी छिन जाएगा। बुलेटिन की 6ठी सुर्खी है, जल मंत्रालय के अधिकारियों ने बीते दिन मंगलवार को DDC महेंद्र पाल के साथ उन स्थलों का जायजा लिया जहां अमृत सरोवर योजना के तहत जल संचय का कार्य हो रहा है। हालांकि अब बरसात आने वाली है, भले ही बिहार में मानसून लेट है, अन्यथा इन जगहों का मुआयने करने का कोई मतलब नहीं था, फिर भी जल मंत्रालय के लोगों ने वहां का निरीक्षण किया। बुलेटिन की 7वीं सुर्खी है, ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र के घुरहुपुर गाँव निवासी विक्रमा राय के पुत्र 9 वर्षीय पुत्र संजू कुमार के साथ दुर्घटना हो गई। वे मंगलवार को मवेशी चराने घर से निकले थे, लेकिन गोकुल जलाशय के भांगड़ में डूब गए। जलकुंभी के नीचे फंसे होने के कारण देर रात बाद उनका शव निकाला जा सका। बुलेटिन की 8वीं सुर्खी पर नजर डालते हैं, सरस्वती विद्या मंदिर नया बाजार में बीते दिन मंगलवार को उन्मुखी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अध्यापकों को नई जानकारियों से अवगत कराया गया। आज की बुलेटिन बस इतना ही। आप देख रहे हैं बक्सर खबर। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।